हेलो फ्रेंड्स, आपको हमारे इस चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं उपासना आज आपको रक्षाबंधन 2018 में कौन से दिन को है, उसका दिनांक क्या है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके बारे में बताऊंगी और राखी का क्या महत्व है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बताऊंगी। फ्रेंड्स, रक्षाबंधन हिंदू धर्म में मनाए जाने वाले पवित्र त्यौहार हैं और यह एक बड़े त्यौहारों में से एक है जिसे सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह पर्व भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई उसकी रक्षा की का वचन देता है। हिंदुओं में यह पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। सिख, जैन, हिंदू और लगभग सभी भारतीय समुदायों में मनाए जाने वाले इस पर्व में सबसे अधिक महत्व रक्षा सूत्र अर्थात राखी का होता है। माना जाता है यह भाई का बहन का के प्रति प्यार का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व सावन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने तो ये आपको रक्षाबंधन के महत्व के बारे में और रक्षाबंधन क्या है इसके बारे में बताया और शुभ मुहूर्त मैं बताने जा रही हूँ। तो रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त, रक्षाबंधन का तिथि तो 26 अगस्त 2018 को पड़ रहा है जो कि रविवार का दिन है और इसका शुभ मुहूर्त है 5:59 से 5:25 तक, मीन्स इवनिंग से मॉर्निंग तक, मीन्स 25 के इवनिंग्स में चढ़ेगा और 27 के मॉर्निंग में ये समाप्त हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको ये विशेष जानकारी दी कि ये रक्षाबंधन का दिनांक है 26 अगस्त को पड़ रहा है रविवार के दिन और इसका शुभ मुहूर्त मैंने बताया और डिटेल्स जानने के लिए मेरे स्क्रीन पे देखिए, मैं डिटेल्स उसका दे रही हूँ कि शुभ मुहूर्त क्या है, वो आप ध्यान से देखेंगे। और अगर वीडियो काम आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर मेरा ये वीडियो पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।